हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज बनाते हैं एकदम क्रिस्पी कुरकुरे बनाना चिप्स, जो कि बनाना भी आसान है और 5 मिनट में बन के तैयार हो जाते हैं। जब इतने क्रिस्पी बनते हैं और वो एकदम पतले वाले चिप्स बन के तैयार हो जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी बने हैं। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। कई बार होता है हमारे घर में कई केले जैसे पड़े होते हैं, हम ला कर रख देते हैं कच्चे केले, क्या करें। तो चलिए इसके चिप्स से बनाते हैं आज। तो मैंने 4 से 5 केले लिए हैं, तो एकदम फ्रेश वाले केले लेने हैं, थोड़े से मोटे वाले लिए हैं मैंने। तो इधर एक कटोरी में डाल दिया मैंने पानी, आधी कटोरी पानी के लिए मैंने आधा चम्मच डाल दिया इसमें नमक का, और 1 पिंच डाल दिया मैंने हल्दी। तो इसको अच्छे से घोल कर मिक्स करके साइड में रख दूँगी, और उधर गैस पे रख दूंगी मैं ऑयल। तो कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल के रख दिया था। मैं सरसों का तेल लिया है, तो आप कोई भी रिफाइंड या नारियल का तेल भी ले सकते हैं, तो सब में ही बहुत अच्छे बनते हैं। तो इधर मैंने एक केला ले लिया है, इसको पहले जो छिलका है अच्छे से इसका निकाल देंगे, जो ग्रीन वाला पार्ट है उसी को हटाएंगे। तो मैं इंस्टेंट में बना रही हूँ तुरंत वाले, तो आप इसको पहले से कट करके भी रख सकते हैं। तो जो मैं बना रही हूँ एकदम पतले वाले बनते हैं और बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। तो मैं ग्रेटर लिया है, ग्रेटर में जो साइड में चिप्स कटर होता है मैं उसी से कट करूँगी, और मैं सीधे कढ़ाई में ही करूँगी। और तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया था, उसके बाद मैंने गैस का फ्लेम लो कर दिया था। हमें बहुत ज़्यादा गर्म तेल में नहीं डालने हैं, क्योंकि जब हम डालेंगे तो उसके छींटे भी निकलेंगे, तो ऐसे हाथ भी जल सकता है। तो मैंने गैस का फ्लेम लो कर दिया था, उसके बाद मैंने कटर से अच्छे से कट कर दिए हैं, जो बहुत ही अच्छे चिप्स बनते एकदम पतले वाले। तो उसके बाद मैंने सारे चिप्स कट कर दिए हैं, और उसके बाद मैं गैस का फ्लेम थोड़ा सा मीडियम कर दूंगी। तो इसको अभी मैं हिलाऊंगी नहीं। उसके बाद मैंने डाल दिया था इसमें 1 से 2 चम्मच आप जो मैंने हल्दी नमक का घोल बना कर रखा है उसको डाल दिया था, ताकि जो हमारा जो तेल होता है एकदम नॉर्मल हो जाए जब हम पानी डालेंगे इसमें, तो उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। तो उससे क्या होता है, जो हम चिप्स बनाते हैं एकदम बनते हैं कुरकुरे क्रिस्पी चिप्स, जो कि खाने में लगते हैं बहुत ही टेस्टी। तो ऐसे मैंने 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद, दो से 3 मिनट में ही अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। उसके बाद मैंने निकाल लिया था। तो अब किसी भी बटर पेपर या ऐसे पेपर पे निकाल सकते हैं, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी निकल जाए। तो ऐसे ही मैंने दूसरा बनाना लिया था, उसको भी अच्छे से उसका छिलका निकाल कर उसको भी मैंने कट कर दिया है कढ़ाई में। तो कढ़ाई में जब आप कट करो तो जो तेल का टेम्परेचर थोड़ा सा हमें कम रखना है और गैस का फ्लेम लो कर देना है। उसके बाद कट करके फिर हमें मीडियम कर देना है गैस। तो ऐसे मैंने छलनी में निकाल दिए थे चिप्स, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी निकल जाए। तो उसके बाद मैंने रख दिया था इसको बटर पेपर पे। तो हमारे बहुत ही क्रिस्पी चिप्स बन के तैयार हो गए हैं एकदम हेल्दी। तो आप भी इसको घर पर बना कर खाएं, जब भी आपका मन हो बारिश में खा सकते हैं, जैसे ही आप चाय के साथ बना कर खा सकते हैं, जो बच्चों को बना कर दे सकते हैं। तो मैंने सारे चिप्स ऐसे बना दिए थे, वो तो सच में इतने क्रिस्पी बने थे। तो आप आलू के चिप्स भी भूल जाओगे जो बाज़ार से ला कर खाते हैं, एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना। तो वहाँ से आपको दिखा रही हूँ इतने क्रिस्पी, और उसके बाद तोड़ कर बताऊँगी। तो इसके बाद आप इसमें रेड चिल्ली पाउडर डाल सकते हैं या चाट मसाला, जो भी आप चाहें। तो मैंने इसमें चाट मसाला ही डाला था, क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही थी, तो उसमें मैंने रेड चिल्ली नहीं डाला था। तो आप रेड चिल्ली भी डाल सकते हैं, और कलर भी इतना अच्छा आया है और बने भी एकदम क्रिस्पी और बहुत जल्दी बन गए थे। तो आप भी ज़रूर एक बार ट्राई करना, और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो इसकी अभी मैंने इसको बता रही हूँ कितने क्रिस्पी लग रहे थे। तो इसके बाद मैं इसको सर्व करने के लिए एक ट्रे में रख दूँगी। तो रेसिपी अच्छी लगे लाइक और चैनल कर देना सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।